और आज देश भर में कांग्रेस पार्टी जोरदार प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। देशव्यापी प्रदर्शन शुरू होने वाला है महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी का, और इससे जुड़ी एक एक खबर अब आपके सामने होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक भी मौजूद हैं। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी को लेकर ये प्रदर्शन होने जा रहा है। सुबह 11 बजे संसद भवन से विजय चौक तक कांग्रेस पार्टी के सांसद मार्च निकालने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन तक ये पैदल मार्च होगा जिसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता, और इसे लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलने की कांग्रेस पार्टी की ये तैयारी है। पहले ईडी के एक्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस पार्टी, और आरोप ये लगाया गया कि बदले की नीयत से ईडी का एक्शन कांग्रेस पार्टी के और ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। और अब महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। सुबह 11 बजे संसद भवन से विजय चौक तक कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद मार्च निकालेंगे, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पीएम आवास के घेराव की कर रहे हैं तैयारी। ये सुबह सुबह की तस्वीरें कांग्रेस हेडक्वार्टर के आसपास के इलाके की हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। मोदी है तो महंगाई है, ये पोस्टर लगाए गए हैं जगह जगह, और पीएम आवास के घेराव की तैयारी है। पूरे भारत में आज कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि विश्वव्यापी आंदोलन होगा, हर घर से आवाज निकलेगी, तो कांग्रेस ने इस आंदोलन को विश्वव्यापी बनाने के लिए अपनी कमर कस ली है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये तस्वीरें कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय से हैं, और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर बैनर लगा दिया गया है, बाकायदा अंदर टेंट लगाए गए हैं, और साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि मोदी है तो महंगाई है यहां पर लिखा हुआ है, और महंगाई व जीएसटी ने लूटी कमाई। जिस तरीके से दो बातें, तीन बातें कही गई थी, बेरोजगारी, महंगाई और जीएसटी, दो मुद्दे यहां पर लिखे हुए हैं, महंगाई और जीएसटी। तस्वीरें जरा हम अंदर से भी आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा तैयारियां जोरों शोरों से कांग्रेस ने कर ली है। अंदर बाकायदा हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो टेंट है वो टेंट्स लगा दिए गए हैं, और तमाम जो कार्यकर्ता थे, आज 5 जुलाई है, 4 जुलाई से ही यहां पर रुके हुए थे। ये देखिए, हम आपको टेंट की तस्वीरें आपको अंदर एक से दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहां पर टेंट लगा दिया गया। और उसी के साथ ही, चूंकि दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरीके के आंदोलन की, किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की इजाजत कांग्रेस को नहीं दी है, तो आपको जरा हम तस्वीरें रोड से दिखाना चाहें, क्योंकि ये अकबर रोड है, अकबर रोड पर कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय है, वो स्थित है, और इस तरीके से क्योंकि इजाजत नहीं है, तो हम आपको दिखाएं कि आपको जैसे ही ये अकबर रोड शुरू होती है वहां पर आपको बैरिकेडिंग नजर आ जाएगी, फोर्स नजर आ जाएगी, और दोनों तरफ से जो अकबर रोड की को ब्लॉक कर दिया गया है, और उन सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है जो ईडी दफ्तर की तरफ जाते हैं और कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से आते हैं, और जिन लोगों को इजाजत नहीं है इस दफ्तर में आने की, उन लोगों को मनाही की जा रही है। आपको बता दें कि किस तरीके से जो फोर्स है वो भी तैनात की गई है। आप मेरे सीधा हाथ की तरफ से देखेंगे कि आपको भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिख जाएगा, फोर्स तैनात दिख जाएगी, और ये इसलिए है क्योंकि दिल्ली पुलिस द्वारा ये कहा गया है कि धारा 144 इस क्षेत्र में लागू है, और यहां पर किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट की कोई इजाजत नहीं दी गई है। कांग्रेस को डर है कि प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रास्ते में ही रोक सकती है। इसके चलते कांग्रेस मुख्यालय में ही पार्टी कार्यकर्ताओं के रुकने और खाने की व्यवस्था की गई। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस 5 तारीख को देशव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है, जिसके चलते तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। इस वक्त मौजूद हूँ कांग्रेस मुख्यालय के ठीक अंदर, जहां पर कार्यकर्ताओं के लिए बाकायदा खाने की व्यवस्था जो है वो करवाई गई है, और साथ ही जो कार्यकर्ता यहां पे रुके हुए हैं उनके लिए सोने की व्यवस्था भी की गई है। आप देख सकते हैं वहां पर तस्वीरों में कि बेड जो है वो बाकायदा यहां पर लगाए गए हैं कांग्रेस मुख्यालय के अंदर, इसके ऊपर कार्यकर्ता जो है आपको बैठे हुए नजर आएंगे। लगातार यहाँ पर जो नारेबाजी जो है वो चल रही है, पंखे कूलर की व्यवस्था जो है वो बाकायदा यहाँ पर की गई है। सर, यह है हमारी महंगाई का, बेरोजगारी का विश्व गुरु ने हमें एक ही चीज में बनाया है, महंगाई में विश्व गुरु, अनएम्प्लॉयमेंट में विश्व गुरु। 2 करोड़ जो जॉब उन्हें पर ईयर देने थे, 16, इसका मतलब है 8 साल 16 करोड़ रुपए दिए, कितने? सिर्फ 7 लाख। महंगाई है, बेरोजगारी है,
धारा 144 को देखिए, अपनी रोजी रोटी के देखे आदमी। आज हर चीज इतनी मुश्किल हो गई है कि कोई खाना, हर चीज बाजार में जाओ कोई 50-60-100 रुपए से नीचे कोई चीज नहीं है। कि ये मोदी जी का भी विरोध नहीं है, मोदी जी से जनता सिर्फ उनके किए गए वादों का जवाब मांगने के लिए जा रहा है। आज तक जो जो मोदी जी ने कहा है जनता को करने के लिए वो जनता ने किया। मोदी जी ने बोला थाली पीटो, जनता ने थाली पीटा। मोदी जी ने बोला मोमबत्ती जलाओ, जनता ने मोमबत्ती बोला। लेकिन अब ये जनता पूछना चाहती है कि सर आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, कहाँ है वो? सिर्फ मुद्दे हम लोग नहीं भूले, मुद्दे तो माननीय मोदी जी भूल गए। मोदी जी साहब को ये ध्यान रखना चाहिए था कि उनके क्या मुद्दे थे। वो अपोजिशन से पूछते हैं मुद्दे, जबकि अपोजिशन का काम है सरकार से मुद्दे पूछना। देखिए दरअसल हुआ क्या है कि दिल्ली पुलिस ने मंजूरी तो दी नहीं है प्रोटेस्ट की, लिहाजा कांग्रेस पार्टी इस तैयारी में है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को कांग्रेस हेडक्वार्टर बुला लिया जाए। इसलिए वहां पर खाने पीने का इंतजाम किस तरह से रात से ही कर दिया गया था ये हमने आपको डिटेल में दिखाया। दिल्ली पुलिस की मंजूरी नहीं मिली है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। जाहिर है दिल्ली पुलिस ने भी जोरदार तैयारी की हुई है, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाएगा यह तय है। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी की इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, सुबह 9:30 का वक्त मुकर्रर किया गया है। मीडिया से मुखातिब होंगे राहुल गांधी। कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ता रात भर रुके रहे, कार्यकर्ताओं को भी आज राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तो सुबह 9:30 राहुल गांधी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। और कर्नाटक दौरे से अचानक राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे और संसद में मीडिया से मुखातिब होते हुए ऐलान कर दिया कि वो अब मोदी सरकार से आर पार के मूड में हैं। कल मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि वो केंद्र सरकार से नहीं डरते। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी जी, जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। तो राहुल गांधी के तेवर आपने देखे, सख्त तेवर उन्होंने अख्तियार किए हुए हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। दो हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे कांग्रेस हेडक्वार्टर आपको लिए चलते हैं। रजनीश रंजन और श्रद्धा चतुर्वेदी वहां से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रजनीश जरा बताइए क्या तैयारियां हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है और कांग्रेस बड़े पैमाने पर देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी में है। दिल्ली में क्या हालात हैं, किस तरह के इंतजाम हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस बात की आशंका थी कि दिल्ली पुलिस उन्हें इजाज़त नहीं देगी, और जिस तरीके से हमने देखा था राहुल गांधी से जब ईडी की पूछताछ हुई थी, सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ हुई थी, तो कार्यकर्ताओं को AICC यानी अकबर रोड पे ही रोक दिया गया था। तो ये तैयारी कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले ही कर ली थी। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं, ये AICC हेडक्वार्टर का लॉन है और यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी के अलावा जो उनके अलग अलग संगठन है, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, ऐसे तमाम संगठनों के लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और बड़ी बात, ये आपको तस्वीर हमारे कैमरा सहयोगी संजीत कुमार दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर बेड लगे हुए हैं, गद्दे लगे हुए हैं, और जो कार्यकर्ता जिन्हें आज प्रदर्शन में शामिल होना है उन्हें पहले ही कांग्रेस दफ्तर बुला लिया गया था, उनके रहने खाने का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया था। तो खुले आसमान के नीचे ये तमाम लोग, इन लोगों ने रात गुजारा है और अब पूरी तरह से तैयार हैं और इंतज़ार किया जा रहा है राहुल गांधी का। 9:30 वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उसके बाद संसद जाएंगे और संसद कांग्रेस पार्टी आज एडजर्न कराएगी और उसके बाद आगे राष्ट्रपति भवन तक कूच करने का कार्यक्रम है। तो 11:00 के आसपास में प्रोटेस्ट शुरू होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अकबर रोड से बाहर निकलने दिया जाएगा। तैयारी कांग्रेस पार्टी की ओर से माकूल की गई है, लेकिन पुलिस के साथ वो किस तरीके से, पुलिस उनके साथ किस तरीके से बिहेव करती है और क्या कन्फ्रंटेशन होगा, क्या किसी तरह का टकराव होगा, इस तरह की स्थिति भी यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ श्रद्धा भी जुड़ी हुई हैं, आपको लिए चलते हैं सीधा श्रद्धा के पास। श्रद्धा, पीछे के क्या हालात है, कितने बजे से ये प्रदर्शन लगभग शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसी खबर मिली क्या आपको?
जी बिल्कुल, हम आपको जानकारी देते हैं क्योंकि मेरी जो मौजूदगी है वो अकबर रोड यानी कि AICC जो कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय उसके बाहर है और 9:30 बजे का वक्त दिया गया है कि 9:30 बजे तक जो सभी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हो जाएं क्योंकि संसद भवन से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक प्रोटेस्ट किया जाएगा, मार्च निकाला जाएगा। और 3 बातें, चाहे संसद का सत्र चल रहा है वहां पर भी लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बात करना चाहते हैं महंगाई पर, बेरोजगारी पर, लेकिन सरकार बात करने को तैयार नहीं है और इसी को लेकर के वो लगातार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर पोस्टर भी लगाए गए हैं और ये पोस्टर कल ही यहाँ पर लग गए थे। आज 5 तारीख है और 4 तारीख को ही उनसे बात हो सकती है, तो बात करिए, क्या कह रहे हैं जी। बिल्कुल, आपको हम बात करा देते हैं क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? ये हम दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही मैं कांग्रेस पार्टी का वाइस चेयरमैन हूँ। आप आज यहाँ पर मार्च निकालने के लिए इकट्ठा हुए महंगाई को लेकर, क्या ये मोदी जी ने देश के अंदर अत्याचार मचा रखा महंगाई के, पूरी जनता देश दुखी है। कांग्रेस पार्टी अगर उनसे जब पूछती है महंगाई के प्रति और देश के प्रति, तो तुरंत ही उस पर इधर उधर की बात करते हैं। साथ में कुछ चंद मीडिया भी, आप जैसे मीडिया बहुत सम्मानित हैं जो आजकल वो नियम से उठा भी रहे हैं और जनता की बात को भी पहुंचा रहे हैं। आप पूरी तरीके से मार्च निकालने की तैयारी में, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि इजाजत नहीं है। दिल्ली पुलिस जो है अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग अपना काम करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान एक पार्टी कांग्रेस। चलिए ठीक है, श्रद्धा मैं आता हूँ आपके पास क्योंकि ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। दिल्ली पुलिस ने क्या करने की तैयारी की है इसके बारे में अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं। दरअसल KC वेणुगोपाल को पत्र लिखा गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। यानी इस पत्र में यह क्लियर कर दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, धारा 144 का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई होगी। सिर्फ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दी गई है, ये दिल्ली पुलिस ने KC वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको ये पत्र लिखकर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यानी एक लाइन में खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। और हमारे साथ रजनीश इस वक्त मौजूद हैं। रजनीश, धारा 144 लागू कर दी गई है पूरी दिल्ली में, सिर्फ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत है, यानी मैसेज ये देने की कोशिश की गई है कि आपको कोई भी प्रदर्शन करना है तो जंतर मंतर जाइए और कहीं भी प्रदर्शन करने दिया नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस का यह सेट ट्रेंड है और हमने पहले भी देखा था, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुए थे कांग्रेस मुख्यालय के बाहर और बहुत बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं को हिरासत में लिया गया था, उन्हें घंटों पुलिस ने अपने कस्टडी में रखा था। तो ये जो स्थिति है वो पहले भी बनी हुई थी और कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं से हमारी बातचीत हुई है उनका भी यही कहना है कि हमें पुलिस की ओर से पहले से ही इस तरह के इनकार की जानकारी थी, लेकिन कांग्रेस अपना काम करेगी, यानी कि प्रोटेस्ट का जो समय दिया गया है उसी समय पर प्रोटेस्ट किया जाएगा और पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन की स्थिति बन सकती है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के जवान अकबर रोड के बाहर खड़े हैं और दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी तैनात किए गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में बसों को यहाँ पर लाकर रखा गया है ताकि कार्यकर्ता जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है कार्यकर्ताओं की, तो उस हिसाब से बस भी यहाँ पर लाए गए हैं ताकि उनको हिरासत में लिया जाए। सीधे सीधे जंतर मंतर जाकर प्रदर्शन करने की बात दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी विजय चौक और राष्ट्रपति भवन जाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास घेरने की भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। श्रद्धा चतुर्वेदी इस वक्त कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं। रजनीश, आपको कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर से लगातार खबरें दे रहे हैं। श्रद्धा, ये बताइए, कांग्रेस कार्यकर्ता तो आज जोश में भरे हुए नजर आ रहे हैं, पहले ईडी के खिलाफ हल्ला बोल और अब महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोलने की सड़कों पर तैयारी है, दिल्ली पुलिस ने क्या इंतजाम किए?
जी बिल्कुल, हम आपको दिल्ली पुलिस के इंतजाम दिखाना चाहेंगे। और चूंकि पहले भी इस तरीके से कांग्रेस अपना मार्च निकाल चुकी है, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ईडी में पेशी हुई थी, आपको दिखाएंगे कि थोड़ी ही दूरी पर यहां पर 10 जनपद है कांग्रेस का हेडक्वार्टर, और आप देखेंगे कि अकबर रोड पर आप सामने सीधा मैं दिखाऊंगी कि 3 लेयर की बैरिगेटिंग यहां पर कर दी गई है, भारी जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। इसी के साथ ही मैं इस रोड की दूसरी तरफ से भी आपको तस्वीरें दिखाऊं, दूसरी तरफ भी बैरिगेटिंग लगा दी गई है, ब्लॉक कर दिया गया है। इसके पीछे समीर बताना चाहेंगे कि इस बिल्डिंग के AICC की जो बिल्डिंग है इसके पीछे विज्ञान भवन है, गोल मार्केट है, और यहां से सीधा अगर जाने की बात करें तो संसद भवन और राष्ट्रपति भवन जाने का रास्ता है। तो ये जो गोल चक्कर है इस पूरे चक्कर को ब्लॉक किया गया है ताकि कोई भी जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो संसद की तरफ मार्च ना कर पाए, और इस अकबर रोड की तरफ अगर AICC हेडक्वार्टर के अंदर है तो वो बाहर ना जा पाए। पूरी तरीके से जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने कमर कस लिया, और इसी के साथ ही जानकारी दी जाए जो संसद का सत्र चलता है तो जो लुटियंस जोन वाला जो इलाका है वहां पर धारा 144 लागू ही होती है, और यही तर्क लगातार, यही बात लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा कही जा रही है कि आप देखिए सत्र चल रहा है, धारा 144 लागू है और हम आपको किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट की इजाजत, किसी भी तरीके के आंदोलन की इजाजत नहीं दे सकते। वही कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अभी आपने देखा कि हमने तमाम कार्यकर्ताओं से बात की, उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम करेगी और हम अपना काम करेंगे और 3 मुद्दों को लेकर के जो हमारा विश्वव्यापी आंदोलन है उस वो करके रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। रजनीश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार मौजूद हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर से। रजनीश, इस वक्त क्या तैयारियां वहां पर आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि 9:30 बजे राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तैयारी क्या है कांग्रेस पार्टी की? क्योंकि पिछले कुछ दिनों के प्रोटेस्ट के दौरान हमने साफ तौर पर देखा कि ईडी के खिलाफ जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे तो कहा गया कि देखिए भाई ये महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करते, अपने नेताओं के खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, आज उसका जवाब देने की तैयारी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी उसी मूड को लेकर आज आगे बढ़ेगी, और लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की कोशिश थी कि किन्हीं मुद्दों को लेकर वो कार्यकर्ताओं में एक तरह से जोश जगाने की कोशिश करें, और अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ के बाद कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं सड़क पर लाने में कांग्रेस कामयाब हुई है और उसी की वानगी है, और वही तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए AICC मुख्यालय के भीतर यहाँ पे टेंट लगाए गए हैं, इससे पहले कभी AICC में इस तरह के टेंट लगे हुए नहीं दिखाई दिए थे। अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं के सोने रहने की व्यवस्था है, अलग अलग पॉकेट्स में जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए यूथ कांग्रेस के ये लोग हैं, ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको आगे की तस्वीर दिखाएंगे, वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता अभी भी आराम कर रहे हैं और पार्टी का जो कार्यक्रम है वो समय आने का इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी थी कि सड़क पर कार्यकर्ताओं को लाएं, कांग्रेस की ये रणनीति थी कि रजनीश आप हमें तस्वीरें दिखा सकते हैं, क्योंकि हम आपके पीछे साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि नारेबाजी शुरू हो गई, कांग्रेस पार्टियों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो नजर आ रहा है, क्या उनके बीच जा सकते हैं आप, बात कर सकते हैं उनसे? आप बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये यूथ कांग्रेस के लोग हैं, महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता नजर आ रही हैं, इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर ये लोग, आप बताइए आज आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है? पुलिस ने इजाजत नहीं दी है, पुलिस ने इजाजत दी है, वो देगी नहीं, पुलिस कभी इजाजत नहीं देगी, क्योंकि उसकी गुलाम है, मोदी जी की गुलाम है, अमित शाह की गुलाम है। हम लोगों ने, आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे AICC के बाहर, आप लोगों को रोक, हम बैरिकेड तोड़ेंगे, हम बढ़ेंगे, महंगाई इतनी हो गई है देश में, लोग बच्चे मरते हुए कोई नहीं देखेगा, बच्चे अपने मरते हुए भूखे नहीं देख सकता, इसलिए हम सबको तोड़ेंगे और PM हाउस को हम मेरा घेराव करेंगे आज। तो आपने सुना, PM हाउस का घेराव करेंगे, राष्ट्रपति भवन जाएंगे और अगर पुलिस जाने नहीं देगी तो बैरिकेड तोड़ेंगे, यही यही जज्बा कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि उनके कार्यकर्ताओं में आए, और ये तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर महंगाई का पोस्टर लगाया गया है, यहाँ पर गैस सिलेंडर की तस्वीरें लगाई गई हैं, और तमाम जो ये लोग हैं, मैम आप बताइए प्रदर्शन में किस तरीके से आप लोग क्या करने वाले हैं? मैं आपको बताऊं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, एक आम बात है कि जो गरीब आदमी है, जो एक एक किलो अनाज का, एक एक किलो जो राशन लेके आता था, आज उसकी इतनी भी औकात नहीं रही, अनाज पे पनीर
पुलिस ने कहा है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कीजिए, आपको विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री के निवास तक नहीं जाने दिया जाएगा। जो मर्जी कर ले, हमने धरना देने देना है और सारे बैरियर तोड़ के जाएंगे आगे। कांग्रेस पार्टी, आपने सुना, ये जो तमाम कार्यकर्ता है सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस को चुनौती दे रहे हैं कि वो प्रदर्शन की इजाजत नहीं देंगे, तब भी वो आगे बढ़ेंगे और जो कार्यक्रम पहले से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है उसी कार्यक्रम के तहत इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। पुलिस ने बहुत ज्यादा बंदोबस्त किया है लेकिन उसका कोई असर इन कार्यकर्ताओं पर इस वक्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी जी, रजनीश आप हमारे साथ बने रहिए और नजर बनाए रखिए। मतलब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफ कह दिया है कि अगर उनको रोका गया तो वो बैरिकेड्स तोड़कर आगे जाएंगे। We'll be right back.